नमस्कार, मुझे प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार साहू, सीनियर कंसल्टेंट एंड नेकोनोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आज आम गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक विषय डिस्कस करवा, से डायबिटीज एंड कैंसर। जितेबाला आम डायबिटीज कहूँ, नॉर्मली डायबिटीज हूँ मेनली चार प्रकार, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, सेकेंडरी डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। नॉर्मली टाइप 1 डायबिटीजटा बहुत यंग पिला छोट बल हुए, बट ऑफकोर्स बॉयस गोटे स्पेसिफिक फैक्टर नुह, एनी एज रे टाइप 1 नहीं पार। सिमिलरली टाइप 2 डायबिटीजटा वयस्क लोक मानक हुए, बट अगेन एनी बयस टाइप 2 हो पार। सेकेंडरी डायबिटीज हूँ डायबिटीज ड्यू टू अन्य कारण, लाइक किसी लोक पानक्रियाज इनफेक्शन है, किसी लोक पानक्रियाज ऑपरेशन कटाई जाए, किसीटा जेनेटिक रोग अच्छी, केते गुड़े औषध अच्छी जो मैंने कि सुगर को बढ़े दिखती, केते गुड़े स्पेसिफिक डिजीज अच्छी जो मैंने कि ब्लड सुगर को बढ़े दिखते, तेणु सेगुरा को आम कहूँ सेकेंडरी डायबिटीज। आउ जेस्टेशनल डायबिटीज है डायबिटीज स्पेसिफिकली जितेबाला प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुए, आम जेस्टेशनल डायबिटीज कहूँ। आज दर्शक बंधु आम जो डिस्कस करवा डायबिटीज एंड कैंसर, स्पेसिफिकली आम मेनली टाइप 2 डायबिटीज एवं कैंसर विषय डिस्कस करवा। नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज आम तौर को डायबिटीज इटसेल्फ कैंसर रिस्क बढ़ाए, एवं नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज सहित केतरा स्पेसिफिक जिनस अटैच एसोसिएटेड थाए, लाइक आम कहते मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम माने जितेबाला टाइप 2 डायबिटीज सहित मेद बहुलता थी, माने ओबेसिटी थी, कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिका थी, फैटी लिवर थी, जोटा कि आम आजिकल कहते MASLD मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड मेटाबॉलिकली एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज MASLD है, कि जदि डायबिटीज सहित सिरोसिस ऑफ लिवर अच्छी, जोटा कि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज हेल्ले सिरोसिस हो पार, ये सब जिनस रे कैंसर रिस्क फर्दर बढ़ी जाए। आम जिते कहते डायबिटीज रे कैंसर द्वारा केतरा स्पेसिफिक कैंसर अच्छी जो मानक डायबिटीज रे अधिका हुए, जमीक आम जब कह जे डायबिटीज रे लिवर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जो देखा, आर रिस्क स्पेसिफिकली 2-2.5 गुण अधिका। जदि आम देखा कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर, ब्लाडर कैंसर, ताने आर टाइम 1.5-2 टाइम्स हायर दैन जनरल पॉपुलेशन। केवल आम जब देखा कैंसर मानक प्रोबेबली प्रोस्टेट कैंसर है गोटे कैंसर जोटा कि डायबिटीज सहित आज पर्यंत लिंक करा जाए नहीं। सिमिलरली लंग्स कैंसर डायरेक्टली डायबिटीज सहित लिंक करा जाए ना, अदरवाइज जो जो कैंसर गुड़ा मुझे कहली से चान्स डायबिटीज रे बहुत अधिका, अबाउट 1.5-2.5 टाइम्स हाई। सेकेंड इम्पोर्टेंट जिन जदि डायबिटीज सहित मुझे जो जिन आगु वर्णना करी जदि जन मेधबहुलता अच्छी, ओबेसीटी अच्छी, जो मर फैटी लिवर अच्छी, तेल एगेन द कैंसर रिस्क फर्दर बढ़ी जाए। तेणु डायबिटीज रे आम कैंसर रिस्क आम जो देखा गुड़े जिनस कौन हुए ना, नॉर्मली आम डायबिटीज रे गोटे जाए सिचुएसन थाए इन्सुलिन रेजिस्टेंस। इन्सुलिन रेजिस्टेंस सिचुएशन कौन हुए ना, बहुत गुड़े अधिका मात्रा रे इन्सुलिन शरीर रे क्षरण हुए टू ओवरकम इन्सुलिन रेजिस्टेंस इनिशियल फेज रे। तेणु जो अधिका मात्रा रे इन्सुलिन क्षरण हुए, आमर पोर्टल सर्कुलेशन गोटे अच्छी जो थे कि पानक्रियाज एवं लिवर जोटा कि बहुत हाई कन्सेंट्रेशन इन्सुलिन की फेस करती, जो हाई कन्सेंट्रेशन इन्सुलिन को फेस करती सेटा है वन ऑफ द रीजन जोटा कि पोस्टुलेट कराई जोटा कि कैंसर रिस्क लिवर और पानक्रियाज बढ़े दिए। कारण आम जानते हाई कन्सेंट्रेशन ऑफ इन्सुलिन इटसेल्फ इज अनाबोलिक एंड ऑल्सो इट एक्चुअली इट्स बैड फॉर द बॉडी, तेणु बहुत हाई कन्सेंट्रेशन जो इन्सुलिन हुए से पानक्रियाज और लिवर कैंसर रिस्क बढ़े दिए। सिमिलरली देखाई जो मानकर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, लेडी मानकर ब्रेस्ट कैंसर रिस्क 2-4 टाइम्स हायर दैन लेडी मैंने जो मानकर डायबिटीज नहीं। अगेन जमी भाव मुझे रेक्टल कैंसर, कॉलोनिक कैंसर, तार रिस्क बहुत अधिका। ऑन टॉप ऑफ दैट जदि डायबिटीज रो गोटे लोकर कॉलोनिक पॉलीप अच्छी ताने सेटा आउरी अधिका मात्रा रे कैंसर रिस्क बढ़े दिए। तेणु जदि डायबिटीज रे कॉलोनिक पॉलीप अच्छी तार रिस्क फर्दर अधिका दैन ए नॉर्मल पॉपुलेशन। सेकंड पार्ट आसला गोटे डायबिटीज रे आमर स्पेसिफिक डिजीज को FCPD दैट इज फाइब्रोकैल्सिफिक पैनक्रियाटिक डिजीज, जोटा कि एटा हला सेकेंडरी डायबिटीज रो गोटे पार्ट। से भाला सेकेंडरी डायबिटीज रे जो FCPD थाए, जदि FCPD थाए ताने सेमानकर पैनक्रियाटिक कैंसर रिस्क 4-6 गुण अधिका। तेणु एगुरा है डायबिटीज रो कैंसर रिस्क। सेकेंड पार्ट आसला जे आमे जदि डायबिटीज कैंसर रिस्क कहते आम प्रिवेंट करें कि
ଡେଫିନେଟଲି ହଁ, ଯଦି ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଓଜନ କମେଇ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ଟାଇଟଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିପାରିବା, ଡେଫିନେଟଲି ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ରିସ୍କ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଡାଇବେଟିସ୍ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ରିସ୍କ ରିଲେଟେଡ଼ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସହିତ, ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ନୁହଁ, ଆଜିକାଲି ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ ଇନଆକ୍ଟିଭିଟି, କୌଣସି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନାହିଁ। ଇଫ୍ ୱିଲ୍ ଡୁ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଇଫ୍ ୱିଲ୍ ଆଭଏଡ୍ ଅଲ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପ୍ଲେଣ୍ଟି ଅଫ୍ ଇନ୍ ମାର୍କେଟ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିପାରିବା ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିପାରିବା, ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ରିସ୍କକୁ ଡେଫିନେଟଲି କମେଇ ଦେଇପାରିବା।